वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफॉर। सो गाइस, iOS 18.1 का फाइनल जो पब्लिक बीटा अपडेट है वो अभी रिलीज हो चुका है, दैट इज पब्लिक बीटा 4। एंड इस अपडेट को मैं अपना आईफोन 15 में इंस्टॉल कर लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फाइनल जो पब्लिक बीटा 4 का अपडेट आया है iOS 18.1 का, इसमें आपको क्या कोई नए फीचर्स या फिर चेंज देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटरी लाइफ कैसा है वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते, दिस वॉज द अपडेट पब्लिक बीटा 4 का, एंड इसको मैंने इंस्टॉल किया एज आई सेड अपना आईफोन 15 में। एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं iOS वर्जन के बारे में, तो बिफोर द अपडेट जो iOS वर्जन था दैट वाज 22B5069A, एंड आफ्टर द अपडेट हो चुका है 22B5075A। लास्ट के यहाँ पर देख सकते हो जो चार डिजिट है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल जो यहाँ पर लेटर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है, दैट इज ए। एंड इट मींस कि यहाँ पर जो RC अपडेट है वो कंफर्म हो चुका है। तो मैं सबसे पहले डेट बता देता हूँ। तो बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि iOS 18 ऑफिशियल या फिर जो स्टेबल अपडेट है वो कब तक आएगा। सो लुक गाइज, नाउ इट इज कन्फर्म दैट कि 28 अक्टूबर को iOS 18.1 का स्टेबल अपडेट या फिर ऑफिशियल जो अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा। एंड उसके एक हफ्ता पहले दैट इज 21 अक्टूबर को आपको iOS 18.1 का जो RC अपडेट है या फिर जो रिलीज कैंडिडेट अपडेट है वो आपको रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज कन्फर्म्ड। नाउ मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा अपने स्टोरेज के बारे में, तो बिफोर द अपडेट जो स्टोरेज था या फिर फर्मवेयर अपडेट था, तो स्टोरेज आप देख सकते हो अवेलेबल था 80.79 GB, एंड जो फर्मवेयर अपडेट था दैट वाज 2.20.02। एंड आफ्टर द अपडेट मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो स्टोरेज हुआ है 77.96 GB, एंड यहाँ पर जो फर्मवेयर अपडेट है दैट इज 2.20.02। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टोरेज है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द न्यू फीचर्स एंड चेंजेस, लुक गाइस, iOS 18.1 का ये जो अपडेट है इट्स ऑल अबाउट एप्पली इंटेलिजेंस फीचर्स फॉर ऑल द iPhone 16 एट द सेम टाइम iPhone 15 प्रो एंड प्रो मैक्स। लेकिन जिनके मेरे पास जैसे कि iPhone 15 है एंड जिनके पास iPhone 15 या 14, 13 है, उनके लिए क्या है? तो लुक गाइस, एज ऑफ नाउ यहाँ पर पब्लिक बीटा 4 के साथ एट द सेम टाइम कुछ देर पहले यहाँ पर डेवलपर बीटा 7 का भी अपडेट दिया गया था iOS 18.1 का। ये दोनों यहाँ पर अपडेट में जो आईफोन या फिर मैं कहूँगा नॉन जो प्रो आईफोन है उसमें कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं है जो पहले यहाँ पर iOS 18.1 में फीचर जो देखने मिलता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जितने भी यहाँ पर टॉगल है कनेक्टिविटी का, सेपरेटली आप यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर उसमें आप सेपरेटली ऐड कर पाते हो वो एक फीचर। साथ ही में अगर आप सेटिंग्स में आते हो तो सेटिंग में यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर जो रिसेट कंट्रोल सेंटर है उसका भी एक ऐप ऑप्शन दिया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो कॉल रिकॉर्डिंग जो फीचर वो भी आया है। तो सपोज यहाँ पर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया था, नोट्स पे आता हूँ, आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग जो फीचर वो कुछ इस तरीके से आता है। अगर आपको पता नहीं कॉल रिकॉर्डिंग कैसा है तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल मैं डायल करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू द नंबर पैड एंड सपोज 199 में कॉल पर करता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पर एक आइकन मिलता है, इसमें अगर आप टैप करोगे तो आपका जो कॉल है गाइस वो बेसिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद जैसे आप अपने फोन को कट करोगे ये कॉल रिकॉर्डिंग सेव होगा आपके नोट कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके का। जैसे प्ले करोगे तो ये प्ले हो जाएगा, लेकिन डू नोट कि यहाँ पर कोई भी समरी टाइप का फीचर आपको देखने नहीं मिलेगा, सिंपली आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये आपको iOS 18.1 के साथ देखने मिलेगा। साथ ही साथ और एक फीचर देखने मिलेगा जो कि आपका है नोटिफिकेशन पैनल में। नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जो प्रायोरिटी जो नोटिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हाट्सअप अगर आपका प्रायोरिटी है तो ऑटोमेटिकली आपका आईफोन जो समझ जाएगा कि आपका व्हाट्सअप जो प्रायोरिटी लिस्ट पे, इसलिए आपको काइंड ऑफ छोटा सा यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सअप में 3 मैसेज आए हुए तो आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर नजर आएगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। बेसिकली नोटिफिकेशन प्रायोरिटी को भी यहाँ पर iOS 18.1 के साथ देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 4 फीचर्स, कोई भी नए फीचर जो है iOS 18.1 में नहीं दिया गया है, ना ही पब्लिक बीटा 4 में और ना ही यहाँ पर इसके पहले। तो टोटल 4 आपको फीचर्स मिलेगा जो नॉन यहाँ पर आईफोन, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आईफोन अगर आपके पास 16 या फिर 16 प्रो प्रो मैक्स इस टाइप का है तो उसमें तो बहुत सारे फीचर्स है एप्पल इंटरेस्ट को लेकर, जिसको लेकर उन्हें प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें A to Z जो भी फीचर्स आ रहे हैं एप्पल इंटरेस्ट रिलेटेड में सारे बताए, तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। मैं यहाँ पर इस अपडेट को ऑलमोस्ट आधा घंटे से यूज कर रहा हूँ एंड अभी आप देख सकते रात के ऑलमोस्ट 2:15 हो चुके। एंड इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पर गिगबेंच 6 को भी यहाँ पर रन किया था तो उसका जो स्कोर है वो भी एक बार दिखाना चाहूंगा। सो लेट मी जस्ट ओपन इट। सो इसमें आप देख सकते हो इसके पहले जो पब्लिक बीटा 3 का अपडेट था उसमें आपको जो सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर जो था, सिंगल स्कोर था 2539 एंड मल्टी स्कोर था 6341।
एंड अभी आप देख सकते हो आज यहाँ पर 15th ऑफ है, पर अक्टूबर है, मैं थोड़ी देर पहले आप रन किया, उसमें सिंगल स्कोर आया 2640 और मल्टी स्कोर आया 6612, यानी दोनों केस में पब्लिक बीटा 3 के तुलना में पब्लिक बीटा 4 का जो परफॉर्मेंस है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आया है। एंड सेम आई कैन एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, प्रैक्टिकल लाइफ अभी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। एंड पब्लिक बीटा 3 में भी एज सच कोई इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम था दैट वॉज रिगार्डिंग द बैटरी। बैटरी बहुत लोगों का यहाँ पर जो ड्रेनिंग जो इशू है या फिर बैटरी बैकअप जो है इसे वो ठीक से नहीं मिला था, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर मेरा आईफोन 15 जो है बहुत एक नया फ़ोन है, इसको ने बिग बिलियन डेज में परचेस किया था, तो मुझे बैटरी को लेके एज सच कोई भी इशू जो है वो देखने को नहीं मिला, मुझे बैटरी लाइफ ठीक ठाक मिल रहा है। एंड इस फोन को मैं यहाँ पर कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उस पॉइंट से भी यहाँ पर मुझे बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा मिल रहा है। डू लेट मी नो क्या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने मिल रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम वगैरह देखने मिलेगा अभी तो भी शायद इस अपडेट में पब्लिक बीटा फोन में बैटरी लाइफ को शायद आपको इम्प्रूव ज़्यादा मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आरसी का, तो एज ए सेट आरसी आपको मिल जाएगा 21st ऑफ अक्टूबर को, और यहाँ पर ऑफिशियली जाके 28th ऑफ अक्टूबर आपको ऑफिशियल आईओएस 10.1 जो रिलीज हो जाएगा। नाउ मैं अगर बात करूँ कोई बग या फिर इशू के बारे में, तो इसके पहले मैंने यहाँ पर एक काइंड ऑफ चार्जिंग ऑन होल्ड का यहाँ पर इस टाइप का एक आया था, जब भी अपना आईफोन 15 को चार्ज करा था बेसिकली थोड़ा सा हीटिंग वगैरह प्रॉब्लम था, लेकिन पब्लिक बीटा 3 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, ऑल्दो थोड़ा बहुत पर हीट जो फील हो रहा था, तो स्क्रीनशॉट को इसलिए मैंने रखा। डू लेट मी नो कि आपके आईफोन में भी पब्लिक बीटा 3 के बाद कुछ इस टाइप का हीटिंग का इशू जो आया है या नहीं, लेकिन आई बिलीव कि पब्लिक बीटा 4 के बाद शायद इस टाइप का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ मैं इस अपडेट के साथ थोड़ा सा नाखुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो नॉन आईफोन प्रो है उसमें शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ और ज़्यादा यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि हुआ नहीं। ये होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स या फिर जो आईफोन 16 लाइनअप है जिसमें कैमरा कंट्रोल, एप्पल इंटेलिजेंस जो फीचर्स आ रहे उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो हम लोग जो नॉन आईफोन प्रो है उनके लिए एज सच ये जो अपडेट आया है iOS 10.1 का जो ऑफिशियल यहाँ पर 28 ऑफ अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा, उसमें एज सच कोई भी नया या फिर कुछ ज़्यादा फीचर नहीं आ रहा है। आई बिलीव शायद आरसी में कुछ दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो भी है, दिस वॉज ऑल अबाउट द iOS 10.1 पब्लिक बीटा 4 अपडेट। आई होप ये वीडियो जो पसंद आए। यहाँ पर बीटा 7 का भी यहाँ पर जो अपडेट आया है उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया, यू कैन चेक दैट वीडियो फॉर फर्दर डिटेल्स। आई होप ये वीडियो पसंद, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एट द सेम टाइम मैं मिलता हूँ और वीडियो, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।